वीडियो बन पता है ना कि वीडियो बनाने क्या हो गया, बनाने दो ना, अच्छा काम कर रहे हो ना। हाथ मत लगा, दर्द से करेगा वीडियो के अंदर। आ गया है, कपड़े ऊंचे किए, उन्होंने कपड़े ऊपर क्यों किए? अरे तुम्हारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेरी है, कोई हाथ नहीं लगाएगा इनको, कोई हाथ नहीं लगाएगा, मैं टांगे तोड़ दूंगा इनको, कोई हाथ लगाया गया इससे घाघरा क्यों ऊंचा किया तुम? देखा दोस्तों आपने, ये कपड़ा मारा मारी नहीं, तूने कपड़े ऊंचे क्यों किए? मैंने वीडियो बनाया है, मेरे वीडियो तूने भी इधर ऊंचे किए, वीडियो के अंदर आ गया है, कपड़े ऊंचे किए, कपड़े ऊपर क्यों किए? खोल, एक मिनट, अरे तेरा आधार कार्ड निकाल, अरे तुम्हारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेरी है, कोई हाथ नहीं लगाएगा इनको, कोई हाथ नहीं लगाएगा, मैं टांगे तोड़ दूंगा इनको, कोई हाथ लगाए, ध्यान कोई हाथ नहीं, हाथ कोई नहीं लगाएगा। मैं बात कर रहा हूँ इनसे, मैं इनसे बात कर रहा हूँ, मैं इनसे बात कर रहा हूँ, कभी फैमिली वाला आदमी जाएगा उसके साथ आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा, बस मैं यह पूछना चाह रहा हूँ तुम्हारा ये क्या हरकत है, कपड़े ऊपर क्यों कर रहे हैं, क्या हरकत है, तुमको कोई हाथ नहीं लगाएगा, ये जिम्मेदारी मेरी है, सिक्योरिटी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मैं अभी ये पूछना चाहता हूँ किन्नर है क्या, किन्नर है ओरिजिनल किन्नर है, निकाल आधार कार्ड, आधार कार्ड गुरु माँ पास है, आधार कार्ड बिना आधार कार्ड हम कैसे पहचान लेते हैं हो या नहीं हो, नहीं आज तक तू कितने साल हो गए तेरे को, ऐसा ऐसा कभी किसी ने विरोध किया ट्रेन में, कभी किसी ने किया नहीं किया, यात्रा गुरुजी खड़े हैं यहाँ पर,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर करने की? तेरे जीवन में कभी भी ऐसा मामला हुआ है क्या? कभी किसी ने किंदर में हाथ डाला क्या? नहीं। ये देखिए दोस्तों, इनकी हरकतें सामने आ रही है, यात्रा गुरु जी चैनल के माध्यम से देख रहे हो तुम लोग, और आइंदा से कोई भी इनको पैसे नहीं देगा। अब देख रहे हो तुम लोग हरकत तुम्हारे सामने, ये देखो। और वापस तुम लोग ट्रेन में नहीं दिखने चाहिए। कोई शादी ब्याह हो चाहे कोई छोटे बच्चे का, और वो कोई हाथ नहीं लगाएगा इनको, ध्यान रखना, इनको हाथ हाथ कोई नहीं लगाएगा। जाने दो इनको, मतलब 20 रुपए छीन लिए तेरे से, पैसा दिया था, मतलब दिया है। दोस्तों आपने लाइव देखा यात्रा गुरुजी चैनल के माध्यम से, इधर टीटी साहब भी खड़े हैं, लेकिन टीटी साहब कह रहे हैं कि इनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। अब ट्रेन के अंदर यात्री बिल्कुल सेफ नहीं है, आप देख सकते हैं दोस्तों, और आपने खुद ने आंखों से देखा कि पूरा कपड़ा ऊपर किया, पूरा एकदम शानदार वाला तरीके से। अब इसको तो मैं क्या ही बताऊं यार, और उधर टीटी साहब खुद खड़े हैं, और ये है अभी आरपीएफ के मेजर साहब से भी मेरी सुबह 4:30 बजे बात हुई, जब वो पीछे मैंने हंगामा किया था, पिछला वीडियो आपने देखा होगा, तो वो कह रहे हैं कि हम आपकी रक्षा करेंगे, ये ऐसे यात्रियों की रक्षा हो रही है, ये इंडियन रेलवे के ये हाल है। तो रेलवे के जितने भी आला अधिकारी और स्टाफ है, उनसे मेरा यही निवेदन है कि यात्रियों को इनसे सिक्योर किया जाए। सुबह से शाम तक हर स्टेशन पर नए से नए ये इस प्रकार से नकली किन्नर, ओरिजिनल किन्नर हो, चाहे ये लेडीज जो है वो किन्नर बन के आए, ये इस प्रकार से चढ़ चढ़ के लोगों से पैसे लूट रहे हैं। और कैमरा ऑन होते ही देखो कैसे शाणपट्टी इनकी सीधी हो गई, नहीं तो इधर खतरनाक वाली दादागिरी करी थी, करी है ना इन लड़कों के सामने, पूरा मतलब साड़ी ऊपर कर दी थी, और इधर पीछे वो साथ वाला, वो छोटा वाला था, उसने भी इधर कपड़े ऊपर किए थे, ठीक है ना। तो इनके पास से जब भी ये आपको कहीं पे भी दिखे, इनसे सीधा आधार कार्ड मांगिए, थर्ड जेंडर का आधार कार्ड बता भाई, और कौन सा संविधान के अंदर रूल लिखा हुआ है कि जो थर्ड जेंडर होगा वो इस प्रकार से ट्रेनों के अंदर पैसे मांगेगा, बताओ, है ना। तो इस प्रकार से इनका कोई अधिकार नहीं है। बहुत सारे किन्नर समाज के लोगों का मेरे पास मैसेज आते हैं, बहुत सारे जरूरी नहीं है किन्नर है तो मांग के ही खाएगा, मेहनत करने वाले हजारों किन्नर के उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं दोस्तों। तो मेरे को गाली निकालने से पहले आप लोग अच्छे से एक मंथन करना कि जब एक आम आदमी ट्रेन के अंदर सफर करना शुरू करेगा तो पहले दिमाग में यही आएगा कि इन हरामियों से निपटना कैसे, है ना, मतलब क्या ही बोलूं, मेरे को तो कुछ बोलना ही नहीं आ रहा है यार, तो सांस ही फूल गई, हंगामा बहुत ज्यादा हो गया। तो इस प्रकार से हंगामा नहीं करना, अपने बस ये ध्यान रखना कि इनको अबे बायकॉट करो, इनको ट्रेनों से भगाओ, बस ये अपना काम रहेगा, ठीक है। ये देखिए अपने इस प्रकार से लोग खुश होते हैं क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली वाला बेचारा 50-100 रुपए ही बचाने के चक्कर में, रिजर्वेशन बचाने के चक्कर में ही तो वो सफर करता, और ये आगे इस प्रकार से लूट लेते हैं हर स्टेशन पर आकर। तो ये सिस्टम है भाई, अच्छा मतलब जबरदस्ती की आपने, ये 10 रुपया काट के 90 रुपया लाइए, बस 20 काट के हमको सीधी, अच्छा 20 काट लिया तो भी, और कभी कभार तो ये होता वापस देते ही नहीं है, 100 रुपए ये रख लेते हैं, 100 रुपए जब देते हैं वापस मांगते हैं तो देते ही नहीं है चेंज, ये ले लेते हैं, तो ये विरोध होना जरूरी है भाई। पुलिस वाले भी इससे मिला हुआ रहता है, पुलिस भी पैसा लेकिन को छोड़ना, हाँ सब मिले हुए हैं, अच्छा ये पुलिस वालों से सुबह ही मेरी बात हुई, आज सुबह 4:30 बजे से मैं इनसे पंगा ले रहा हूँ। पुलिस वाला क्या करते, इनसे पैसा लेके इनको और बढ़ावा था, तुम लोग जाओ बस, पुलिस वाला क्या है, टीटी खड़े हैं, कुछ बोलना होता था ये भी बोल सकते थे, ये अपने जस्ट पास में ये टीटी साहब खड़े हैं। अब इनको मैंने बोला कि इनकी आप टिकट क्यों नहीं चेक कर रहे हो, ये यात्रा कैसे कर रहे हैं, ट्रेन के अंदर कैसे चल रहे हैं, तो ये कह रहे हैं ये सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमें हमारी नहीं है, लोकल वेंडर्स को भी हम नहीं मना कर सकते, ये दुकान वाले बेचने वाले चढ़ जाते हैं, ये इस प्रकार से मांगने वाले चढ़ जाते हैं। तो अब ये है भाई, आप कहाँ से हो? मैं पिलानी से। पिलानी, ये कौन से कहाँ पे पड़ता है? झुंझुनू में। अच्छा झुंझुनू में, हाँ झुंझुनू राजस्थान से है सर, अपने साथ ही ये इधर आगे इधर बिहार की साइड जा रहे हो, ये कहाँ पे पड़ता है? बंगाल में, आसाम में, आसाम तक ट्रेवल कर रहे हैं और हम भी इसी में है, तो ये सिस्टम है दोस्तों। दोस्तों ये सभी भाई लोग हमारे साथ ट्रेवल कर रहे हैं, और यही वो जगह थी जहाँ पर उसने मतलब कपड़े ऊपर किए थे, और ये भाई लोग हैं हमारे साथ। तो जब मैंने हाथ कहाँ डाला आपके? अच्छा मतलब हाथ ऐसे डाल रहे थे, पता नहीं उल्टी उल्टी जगह पे हाथ लगा रहे थे।
तो दोस्तों जब मैंने विरोध किया तब इन सब ने विरोध किया, नहीं तो पहले हिम्मत नहीं हो रही थी, नहीं, नहीं, हिम्मत नहीं इनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती है, कोई इनका विरोध करे तो ये मारने लग जाते सामने, क्योंकि ये मतलब क्या है कि कमजोर व्यक्तियों के ऊपर ज्यादा ये अत्याचार करते हैं और जो मजदूर व्यक्ति दिखते हैं उनके ऊपर ज्यादा अत्याचार करते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने वीडियो शूट किया, कैमरा देखा तो सीधे हो गए, और फिर तब तक भाइयों में भी हिम्मत आ गई, एकदम बाहुबली वाली हिम्मत आई, हिम्मत आए मारने लगे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से बचाई है तो उसको पूरा कचुंबरी निकाल देते, लेकिन मारना नहीं अपने को, देखिए मारते हैं ना तो अपने ऊपर गलत हो जाता है, अपने को मारना वारना नहीं। लेकिन फिर तो मैंने बचा लिया उनको, मतलब हाथ वात लगाने नहीं दिया, लेकिन अगर बीच में नहीं होते तो हंगामा काफी ज्यादा हो गया। टीटी साहब भी खड़े थे, वो अब आरपीएफ को बुलाया है, तो अब आरपीएफ वाले देखते हैं आते हैं नहीं आते हैं, क्या बातचीत होती है देखते हैं। मेरे को नहीं लगता कोई आएंगे। गुरु जी तब हम लोग उसके हाथ का चढ़ती, नहीं तो हम लोग क्यों मारते, इस कारण से मारते, हाथ छोड़ने के लिए रेडी हुए थे। मारपीट तो नहीं करने दी मैंने, आपने जैसा कि वीडियो में देखा ही था ज्यादा मारपीट। आप आए हम लोग कंट्रोल, आप बोले कि हाथ नहीं छोड़ना है तो हम लोग कंट्रोल हो गया। अच्छा नहीं, हम लोग का बात भैया है, भैया संविधान जरूर निकालेंगे, इसीलिए हम लोग हाथ नहीं छोड़े। तो ये चीज है, तो दोस्तों इस प्रकार से लगातार आपको विरोध करना है इस प्रकार के लोगों को, तो नहीं चढ़ने देना है, क्योंकि अब धीरे धीरे इनको बाइकॉट करेंगे तो ये सब सही हो जाएगा, नहीं तो बहुत ही ज्यादा आतंक मचा हुआ है ट्रेनों के अंदर इनका। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को आप इंडिया के हर एक व्यूअर्स के पास इसको पहुंचाइए, हर एक आदमी तक, हर एक ट्रेवलर के पास पहुंचना चाहिए, ताकि सबकी आंख खुले कि इस प्रकार से ट्रेनों के अंदर इस प्रकार के लोगों का विरोध करना है और लगातार इनको यहाँ से बाइकआउट करना है। ठीक है, आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसी प्रकार का कंटेंट आपको इस अपने यात्रा गुरुजी चैनल पर आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।